नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास पेटवाले। आज के वीडियो में वॉलपेपर के सभी सवालों का जवाब दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये 3D वॉलपेपर घर में खुद से कैसे चिपकाना ये बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। इसका आंसर देने के लिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने पुटिंग की हुई दीवार पर इसको चिपका के दिखाया। तो अभी इस वीडियो में मैंने ये नया वॉलपेपर, सेम टू सेम वॉलपेपर बुलाया है, इसको मैं अलग अलग जगह पे चिपका के दिखाऊंगा। जैसे कि प्लास्टर वाली दीवार, डिस्टेंपर वाली दीवार, चूना वाली दीवार, प्लाईवुड डोर, विंडो, टाइल्स, फ्लोरिंग, सीलन पपड़ी, पुट्टी, रफ वॉल, इन सभी तरह की दीवारों के ऊपर मैं चिपका के इसको बताऊंगा। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, और आपके मन में जो भी सवाल है इस वीडियो में पूरे कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी सवाल है मेरे कमेंट बॉक्स में देखिए। तो चलो वीडियो को शुरू कर दे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, नया है। इसको खोल के टेप से मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, 3D डिजाइन है, ऐसे रोल के समान में आता है, छोटा सा दिखता है पाइप जैसा। ये टेप में देखेंगे ये 40 और ये 45 इसका विड्थ है, और लंबाई में 600 सेंटीमीटर है। इसको मैं बिछा के दिखा देता हूँ, चटाई के समान है ये, इजी है। इसको फीट में नापते हैं तो ये 1.5 फीट, मतलब 1.5 फीट इसकी लंबी है, और 19.5 फीट उसकी लंबाई है। ये टोटल 29 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो आपको अलग अलग जगह चिपका के दिखाना है, इसके लिए मैं बहुत सारे इसके टुकड़े करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसे बहुत सारे टुकड़े करके अलग अलग जगह चिपका। आपने देखा दोस्तों, मैंने ये वॉलपेपर, नया वॉलपेपर बुलाया और इसके बहुत सारे पीसेस कर दिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो दीवार है, ये दीवार पुटिंग वाली है, पुटिंग के ऊपर इन्होंने एक पेंट किया है। तो पुटिंग के ऊपर पेंट करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसको दीवार में चिपकाएंगे और निकाल के देखेंगे तो ये इसका क्या परफॉर्मेंस आता है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मैंने स्टिकर का पोर्शन निकाल दिया, ये देखिए इसमें स्टिकर रहता है, ये स्टिकर निकाल दिया। इस दीवार पे मैं इस यहाँ पे इसको चिपका दूंगा। ये एकदम सिंपल है, जैसे कि मैंने बोला एक आदमी भी लगा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हार्ड मटेरियल चाहिए या स्पंज चाहिए, दो चीजों से चिपका सकते हैं। तो मैं स्पंज यूज करता हूँ। इसको एक हाथ से खींचना है और दूसरे हाथ से इसके ऊपर ये करना है। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम फटाफट लग रहा है, एयर बबल भी नहीं पकड़ता यदि आप बराबर इस तरह से करते। तो आपके सामने मैंने दिखा दिया, ये उसका एक स्टिकर वाला पोर्शन है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से निकल गया। मैं इसका क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। देखिए कैमरे वाले को बोलूंगा मैं कि इसका क्लोज व्यू दिखा दे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3D बोला है। 3D का मतलब ऐसा है कि जैसे ये बॉक्स दिख रहा, इसमें शैडो है, तो ये 3D है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ उभरा हुआ पोर्शन है, तो ये 3D जैसे दिखता है, तो ये बढ़िया दिखता है। अभी ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये दीवार पुटिंग वाली है, उस पुटिंग के ऊपर पेंट किया है, मतलब इसके लिए एकदम परफेक्ट है। इसी दीवार पर यह बढ़िया चिपक जाता है, इसी दीवार में लगना चाहिए। तो मैं कमेंट में ये मुझे पूछा था कि ये निकलने के बाद पपड़ी निकलती क्या, और इसको निकाल के फिर से चिपका सकते हैं क्या। तो अपन देखेंगे, इसको निकाल के फिर चिपका के देख सकते हैं। तो ये क्या उसमें काम करता है, तो इसको मैं एक कॉर्नर से निकाल के दिखा देता हूँ। ये कॉर्नर से मैं इसको खींचता हूँ और फिर निकाल के दिखा देता हूँ। ये ज्यादा जोर लगाने से ये देखिए, ये मैंने जोर लगा दिया थोड़ा तो निकल गया। निकलने के बाद इसमें क्या है, पुटिंग के ऊपर जो पेन था वो हल्का सा यहां से निकल गया, क्योंकि इसकी ग्लू अच्छी है। इसलिए अब इसके पीछे में भी देखोगे, ये वॉलपेपर के पीछे में, तो यहाँ पे देखो ये कुछ जो पोर्शन है वो निकल गया है, पर ये ज्यादा गंदा नहीं दिख रहा। तो ये वॉलपेपर यदि गंदा होता है, खराब होता है, फट जाता है, तो आप निकाल के फिर से दूसरा वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, आपका दीवार पूरी तरह से खराब नहीं होगी। चलो इसको फिर से एक बार चिपका के देख लेते, जैसे कि कमेंट में पूछ रहा था। तो इसको फिर से इसी जगह पे चिपका के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सेम दीवार है। ये सेम दीवार पे मैंने इसको चिपकाया। तो चिपकाने में क्या है, ये 100% बराबर चिपका नहीं, देखो कुछ इसमें नहीं क्या उभरी हुए पोर्शन से, जैसे एयर बबल आ गई, मतलब इसका ये है कि एक बार निकलने के बाद वो बराबर पेस्ट नहीं होगा ये। और जैसे इस कॉर्नर से इसको खींचते हैं तो ये पीवीसी होने के कारण ये थोड़ा सा फट भी जाता है। देखिए जोर से यदि खींचते इस डायरेक्शन में ऐसे खींचते तो ये फट भी जाता है। जो दीवार प्लेन है उस पर आप लगा सकते हैं। इस टेस्ट में पास हो गया। वॉलपेपर इस प्लाईवुड के ऊपर चिपका के आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी तरह से जो ये टुकड़ा था, मैंने ये 3D वॉलपेपर इसके ऊपर चिपका के आपको दिखा दिया। तो ये ऐसी ये प्लाईवुड प्लेन होने के कारण ये बराबर चिपक गया। इसमें देखिए कुछ भी बबल नहीं है। ये 3D पे जैसे, मतलब ये जैसे 3D जैसे इसमें शैडो है ये दिख रही है। तो इस टेस्ट में ये पास हो गया, ये निकलेगा नहीं, इसकी लाइफ अच्छी रहेगी और ये सालों साल चलेगी। दोस्तों, ये नया कंस्ट्रक्शन है और ये प्लास्टर की दीवार है, इसके ऊपर कुछ भी पुताई नहीं किया, पेंटिंग नहीं की है। तो इसके ऊपर चिपका के देख लेते हैं। तो
तो इसको पहले जो भी थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लेते हैं, ये कपड़े से पोंछ लिया मैंने और यहाँ पे इसको चिपका देते हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बिना पेंटिंग किए प्लास्टर वाले वॉल पे चिपका दिया। ये चिपक तो गया पर क्या है, इसमें ज़्यादा पकड़ नहीं रहेंगी, इसका ग्लू ज़्यादा परफेक्ट काम नहीं करेगा नहीं। तो ये टेम्परेरी यूज़ के लिए आप चिपका सकते हैं, पर परमानेंट के लिए इसको चिपकाना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। तो ये देखिए निकल रहा है, ये पीछे में आप देखेंगे तो बराबर चिपका नहीं है, ये ऐसे हो गया। ये दिखने में अच्छा दिख रहा है पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, एक बार इसका एक कॉर्नर निकल गया तो ये निकलते रहेगा। ये फ्रिज अच्छी है पर इसका जो बाहरी पोर्शन है ये पूरी तरह से सड़ गया है। तो चलो इसको वॉलपेपर से कवर करके दिखा देते हैं कि ये इसी कंडीशन में काम करता है नहीं करता है। तो मैंने पहले क्या किया, ये वॉलपेपर का एक टुकड़ा मैंने इसके साइज़ का कट कर लिया, ये टुकड़ा है मैंने इसके साइज़ का यहाँ पे कट कर लिया। तो इसको चिपका के मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस पर काम करता है या नहीं करता है। तो इस तरह का ये वॉलपेपर है, मैंने ऊपर से थोड़ा सा उसका स्टिकर निकाल दिया, तो अभी इसके ऊपर अप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वॉलपेपर खराब हुई फ्रिज के ऊपर कैसे चिपकाना है ये आपको दिखा दिया। दोस्तों ये पूरी तरह से इधर साइड में भी चिपकाना है पर आपको बहुत सारे वीडियो बना के दिखाना है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी तरह से दिखाऊंगा। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे वॉल पेंटेड है या जो लोहे का पोर्शन है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, उन सभी चीज़ों पर ये वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको आपको दिखा दिया। दोस्तों अभी इस दीवार पर मैं आपको ये चिपका के बताऊंगा। इस दीवार में आप देखेंगे बहुत सारे छेद हैं, एकदम खराब दीवार है। ये दीवार पुटिंग की है और पुटिंग के ऊपर डिस्टेंपर लगाया है पर ये बहुत सारे खड्डे हैं। तो इसको कवर करने के लिए मैं इस वॉलपेपर को इसका लगा के दिखाऊंगा तो ये कैसे दिखते हैं, इसको आप देख लीजिए बिफोर और ये आफ्टर मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों देखिए कितने सारे छेद थे पर ये वॉलपेपर लगाने से एकदम प्लेन दिख रहा, अच्छा दिख रहा है। तो ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादा खड्डे उबड़ खाबड़ पोर्शन है उस पोर्शन में आप लगा सकते हैं तो ये अच्छा काम करेगा, अच्छा दिखेगा। तो अभी ये भी सवाल था कि पुटिंग किया है और पेंटिंग किया है तो इसको एक बार निकल गया तो कैसे दिखेगा। दोस्तों ये पुटिंग करने के बाद ये पेंटिंग किया है तो मैं इसको उखाड़ के दिखा रहा हूँ क्या होता है। तो इसका एक पोर्शन निकाल देते हैं नाखून से, जैसे नाखून से मैंने इसका एक कॉर्नर निकाल दिया और इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से आपकी दीवार दिखेगी यदि आप पेंटिंग करने के बाद पेंटिंग करने के बाद इसको लगाते हैं। यदि आपको बेस्ट लगाना है तो पुटिंग कीजिए और पुटिंग के बाद सिर्फ प्राइमर लगाइए, पेंट करने की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसा लगेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा ये, और इसको फिर से चिपकाते हैं। देखिए फिर से चिपक गया, जब तक आप इसको निकालोगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं क्योंकि दीवार प्लेन होने के कारण ये निकलता नहीं। तो जैसे छेद वाली दीवार के लिए ये परफेक्ट है, इसको आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सीलन वाली गीली वाली दीवार है और इसमें मॉइस्चर आता है और बहुत सारी दरारें पड़ी है। आप देखेंगे कि ये दीवार एकदम बुरी हालत में है, बेकार कंडीशन में है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि ये क्या सीलन वाली दीवार पे, क्रैक वाली दीवार पे इसको चिपका सकते क्या। तो इस ये पीस को मैं यहाँ पे चिपका के आपको बताऊंगा। मैंने इसका थोड़ा सा स्टिकर निकाल दिया, अभी इस एरिया में इसको लगाना है, जैसे इस एरिया में ये इसमें पपड़ी ये सीलन वाली वाला एरिया कवर हो जाएंगी। तो पहले दीवार को सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। देखिए आप ये और इस एरिया में ये थोड़ा सा गीला है, मॉइस्चर है और ये सूखा है तो इस एरिया में इसको लगा देते हैं ऐसा। ये देखिए मैंने चिपकाया पर ये बराबर चिपका नहीं, इसका मतलब ये मॉइस्चराइज दीवार, सीलन पपड़ी वाली दीवार उस दीवार के लिए ठीक नहीं। इस दरवाजे में हम चिपका के इसको दिखाएंगे, ये देख लीजिए इसको यहां से। पूरी ये एकदम दरवाजा बुरी हालत में है और इसको पेंट करने से अच्छा यदि वॉलपेपर इसके ऊपर चिपकाते हैं तो एकदम नया दिखेगा, अच्छा दिखेगा और जो भी दरारें हैं वो इसे कवर हो जाएगी।
तो आप इसमें लगा सकते हैं, लाइफ इसकी अच्छी रहेगी, वाटरप्रूफ रहेगा और बड़े दिखेगा नए जैसे। दोस्तों देखिए अभी ये जो दीवार है ये चूना वाली दीवार है, हाथ रगड़ने पे इसके ऊपर चूना चिपकता है, तो इस दीवार में बहुत सारा चूना है, तो ये चूने वाली दीवार पे चिपका के आपको बताता हूँ। तो पहले कपड़े से इसको पोंछ लेते हैं दीवार को और उसके ऊपर मैं चिपका के आपको दिखा देता हूँ। अभी भी इसमें चूना लग रहा हाथ में। दोस्तों देख लीजिए मैंने ये चूना वाली दीवार पे इसमें अभी भी हाथ में चूना लग रहा है, इसके ऊपर मैंने चिपका दिया। ये चिपक तो गया है पर चूना होने के कारण ये पूरी तरह से परफेक्ट चिपका नहीं है, तो इसको मैं ये कॉर्नर से निकाल के दिखा देता हूँ कि ये निकलता है कि नहीं निकलता है। कॉर्नर से खींचने पर यह निकल जाता है, पूरी तरह से निकल जाता है, इसलिए ये चूना वाली दीवार के लिए ये सक्सेस नहीं है। तो ये नया कंस्ट्रक्शन है और इसमें व्हाइट सीमेंट मारा है ACC का, तो इसके ऊपर चिपका के देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये नए कंस्ट्रक्शन ऊपर ये व्हाइट सीमेंट मारा है, नई प्लास्टर है और व्हाइट सीमेंट मारा है, तो इसके ऊपर ये बढ़िया चिपक गया और ये निकलेगा भी नहीं अभी, उसको खींचने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ये नया कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टर किया और व्हाइट सीमेंट मारा है, उसके ऊपर चिपका सकते हैं, अच्छा दिखेगा, निकलेगा नहीं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि दरवाजे के ऊपर ये चिपका के देखेंगे कि ये कैसा चिपकता है और कैसा दिखता है। तो ये दरवाजा है, ये दरवाजा थोड़ा पुराना टाइप का है, तो इसके ऊपर चिपका के इसको नया लुक देने की कोशिश करते हैं। तो मैं चिपका के देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दरवाजे के ऊपर चिपका के दिखा दिया। ये लकड़ी का दरवाजा है, पुराने पैटर्न का था, तो इसको पेंटिंग करने से आप वॉलपेपर चिपकाते हैं तो बड़े दिखेगा, इसमें कुछ बबल भी नहीं आएगा, जैसे ये खचके हैं दरवाजे की जो मैन्युफैक्चरिंग जैसा हुआ है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आता नहीं, जैसे आप खचका रहा टीवी फ्रिज या किसी चीज़ में तो आप उसमें भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो ये इस कंडीशन के लिए आप इसमें लगा सकते हैं। अभी हम इसको निकाल के रखेंगे, तो एक कॉर्नर से मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ये पेंट के ऊपर से जल्दी निकलता नहीं है। देखिए फ्रेंड यदि मैं इसमें ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो ये फट जाएगा, किसी काम का नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो स्टिक था उसको पेंट से पूरा चिपक गया एकदम परफेक्ट। देखिए मैं इसको जैसे निकलता हूँ तो ये निकलेगा नहीं, फट जाएगा, एकदम परफेक्ट चिपक गया है। तो ये ऑयल पेंट के ऊपर ये एकदम बढ़िया चिपकता है, देखो इसका पेंट उखड़ गया इसने पर ये निकला नहीं। तो ये दरवाजे के लिए और लकड़ी चीज़ों के लिए जहाँ पे ऑयल पेंट है, दीवार में भी ऑयल पेंटेड दीवार है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है, तो ऑयल की जगह के लिए ये बढ़िया है। ये बाथरूम है और बाथरूम में ये फ्लोरिंग जैसे किया है, जैसे पुरानी जमाने की टाइल्स रहती है, तो ये दिखने में अच्छी नहीं दिखती है। ये यहाँ पे डिस्टेंबर लगा है, डिस्टेंबर भी निकल जाता है और दिखने में उतना अच्छा दिखता नहीं। तो ये वॉलपेपर इस दीवार पे लगा के इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे चिपकेगा और कैसे दिखेगा। तो मैंने ये थोड़ा स्टिकर निकाल दिया है और इसको अभी यहाँ इस एरिया में चिपका के आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स ये बाथरूम में मैंने आपको चिपका के दिखाया, तो ये बाथरूम की जगह एकदम सरफेस प्लेन है और ये समतल है, इसके कारण इसके ऊपर अच्छा चिपकेगा। और देखिए पूरा इसमें कुछ भी एक भी बगल नहीं आया और एकदम प्लेन चिपक गया, तो इसके ऊपर इसकी लाइट भी अच्छी रहेगी, चिपका सकते हैं और दिखने में बढ़िया दिखेगा, प्यारा दिखेगा। तो ये बाथरूम में यदि सरफेस आपकी प्लेन है, पुराने टाइल्स है, तो उस पर लगा सकते। तो दोस्तों आपको मैंने हर जगह पे जाके वॉलपेपर को चिपका के दिखाया है। यदि मेरे वीडियो में कुछ छूट गया होगा या आपका सवाल के संबंधित कुछ जानकारी छूट गई होंगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अभी तक जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है सबका आंसर मैंने दिया है। तो मैंने पहले वीडियो में ये वॉलपेपर कैसे चिपकाया ये आपको दिखाया था, तो देख लीजिए मैंने ये वॉलपेपर चिपकाया, सक्सेसफुल है और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वाटरप्रूफ है, बढ़िया है। और इसमें आप ये देख लीजिए इस तरह से वॉलपेपर है। तो आपकी कुछ भी सवाल है, सुझाव है, मुझे बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों इस वॉलपेपर का मैं गिव अवे करने वाला हूँ, आने वाली वीडियो में मैं उसका रिजल्ट बताऊंगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए। जो बेस्ट रहेगा उसको मैं ये पोस्ट से सेंड करूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।